नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या इन दिनों बेहद गंभीर है। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने प्रदूषित हवा के चलते सभी स्कूल और कॉलेज को अगले आदेश आने तक बंद करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में इन दिनों हवा की क्वालिटी का स्तर बहुत खतरनाक है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 394 मापा गया, जो खतरनाक माना जाता है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। चलिए आपको बताते हैं वो कदम कौन से हैं। दिल्ली NCR के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी। राजधानी दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। सिर्फ 5 प्लांट पर ही काम होगा। दिल्ली NCR के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वाले 50% कर्मचारी को ही आने की अनुमति होगी। बाकी 50% कर्मचारी 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करेंगे। वहीं सरकारी विभाग के 100% कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। 21 नवंबर तक सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति या संस्था सड़क किनारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मलबा फेंकता हुआ पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। NCR में गैस क्षमता वाली सभी इंडस्ट्रीज को चालू रखने की अनुमति है। किसी भी इंडस्ट्री को अनअप्रूव्ड फ्यूल का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी इंडस्ट्रीज में अनअप्रूव्ड फ्यूल का इस्तेमाल होता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में सारे ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। इनमें सिर्फ ज़रूरी सामानों को ढोने वाले ट्रकों को ही छूट दी गई है। पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। व्यस्ततम इलाकों में ट्रैफिक टास्क फोर्स की टीमें तैनात की गई हैं ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। जल्द से जल्द CNG बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कमीशन ने डीजल जनरेटरों यानी DG सेट्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। इमरजेंसी होने पर ही DG सेट्स के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। एंटी स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करने वाली मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में दिन में 3 धूल को हटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका क्या असर हो रहा है इसे लेकर हर दिन राज्य के चीफ सेक्रेटरी निगरानी करेंगे। इसके बाद 22 नवंबर को आयोग के सामने कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।